हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन, वेलकम टू जय भवानी साइंस स्कूल। अभी हमने जो लास्ट चैप्टर चालू किया है, फोर्थ चैप्टर, दैट इज एनिमल किंगडम, उसके अंदर हमने आगे जो फाइलम्स पढ़े हैं, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथस, एस्केलमेंथस, ये सब क्या थे जो हमने पिछले पढ़े, वो जो उसके सिलों के हिसाब से अगर देखे तो वो कोई एसिलोमेट थे, कोई स्यूडोसिलोमेट थे। तो अब से हम जो आज से पढ़ने वाले हैं वो है एनेलिडा, और वो यहाँ से सीलोम वाले जितने भी है, जिसमें मतलब एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एक्थियोडर्मा, हेमिकॉर्डेटा, एनकॉर्डेटा, ये सारे जो है वो सीलोम, जिसमें ट्रू सीलोम रहेगा, वो वाले हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइलम एनेलिडा। तो एनेलिडा तो हमें सबको पता ही है, इसमें से हमने अगर कुछ देखा या नहीं देखा, ये एक अर्थवर्म हम सब ने देखा हुआ है। आपको बस अर्थवर्म को नोटिस करना है, देखना है कि अर्थवर्म चलता कैसे है, क्या खाता है, कहाँ पे रहता है, उसी के हिसाब से उससे ही मिलते जुलते सारे ऑर्गेनिजम्स एनेलिडा में होते हैं। तो सबसे पहले तो नाम क्यों एनेलिडा दिया गया है, क्योंकि एनेलिडा मतलब इसमें है, जो एनेलिडा नाम है वो ये जो इसमें सब में आपके एक एन्यूलर, एन्यूलर मतलब रिंग जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देखिए ये जो हिरिडो मेडिसिनलिस है, मतलब जिसको हम ब्लड सकिंग वर्म बोलते हैं, वो देख लीजिए सब में जितने भी है सारों में एन्यूलर स्ट्रक्चर, इस तरह का एन्यूलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर सब में देखने को मिलता है। तो इसीलिए इसको एनेलिडा फाइलम नाम दिया गया है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि दे मे बी एक्वेटिक, मरीन एंड फ्रेश वाटर। तो ये पहले तो एक्वेटिक है, ठीक है, पानी में रहने वाले जीव है, मरीन भी है और फ्रेश वाटर भी है, नदी नालों में भी देखने को मिलता है, और मरीन समुद्र में भी मतलब खारे पानी में भी देखने को मिलता है, और टेरेस्ट्रियल, खाली एक्वेटिक नहीं है, टेरेस्ट्रियल भी है, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे भी ये देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं कि अर्थवर्म या ज्यादातर टेरेस्ट्रियल ही है, ठीक है, फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग होते हैं, मतलब किसी के ऊपर ज्यादातर डिपेंडेंट नहीं होते, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म इनके ऐसे है, मगर कुछ है वो क्या है, पैरासाइटिक भी है, जैसे ये हिरियोडिनारिया या तो फिर हिरियोडिना मेडिसिनलिस। तो ये दूसरे एनिमल्स का ब्लड सक करके, उसका खून चूस के मतलब अपना खुराक बनाते हैं, तो इसीलिए इसको पैरासाइटिक भी कहा गया है। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो हमने देखा टिश्यू और सेल लेवल या ऑर्गन लेवल सब देखा, तो इसमें अब आगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, मतलब इसके अंदर पूरे बहुत सारे ऑर्गन्स अलग अलग मिला के, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, एनल कैनाल या फिर माउथ, ये पूरा मिला के गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कैसे बनाते हैं, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम बनाते हैं, तो उसी तरह से बहुत सारे ऑर्गन्स मिल के पूरा एक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें बनाता है। जैसे हार्ट का देख लीजिए, तो कुछ वेजल्स या तो फिर नसें मिलके और हार्ट मिलके पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है, तो इसी तरह का पूरे सिस्टम वाइज इसमें ऑर्गन का डेवलप डिवीजन हुआ होता रहता है। जैसे कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स रहेंगे, कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के रहेंगे, कुछ न्यूरोलॉजी के सिस्टम के रहेंगे, तो इसी तरह से इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और बायलेटरल सिमेट्री, इसकी सिमेट्री कैसी है, बायलेटरल है, अगर आप इसको बीच में से कट करते हो तो दोनों साइड सिमिलर पार्ट्स देखने को मिलेंगे, एक जैसे दिखने वाले पार्ट दो टुकड़े इसके कर सकते हैं, इसीलिए इसको बायलेटरल सिमेट्री कहा गया है। देयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसमें तीनों लेयर देखने को मिलेंगे, मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, मेसोग्लिया नहीं है इसमें, मेसोडर्म है, ठीक है, जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स थी, जो सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली मेसोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म, ये तीनों इसमें प्रेजेंट रहेंगे। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मेटामेरिकली सेगमेंटेड क्या होता है, जैसे ये एक सेगमेंट है, इसका पूरा पार्ट है, तो सेम सेगमेंट आगे भी रिपीट हो रहा है, सेम सेगमेंट आगे भी रिपीट हो रहा है, तो इसको मेटामेरिकली सेगमेंटेड बोलते हैं, तो ये इसमें देखने को मिलता है। तीसरी चीज है सिलोमेट, तो ये सिलोम इसमें ट्रू सिलोम रहेगा, ठीक है, जो बॉडी की कैविटी है, जो गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैविटी और बाहर की कैविटी, बाहर की स्किन, ये दोनों के बीच में कैविटी है, वो ट्रू कैविटी है इसमें, इसलिए इसको सिलोमेट एनिमल्स कहा गया है। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामेर्स, इसीलिए जो इसके जो बॉडी सर्फेस है ना, ये देखिए इसमें लाइन लगी हुई है, अगर उसको आपका पूरा राउंड देख ले तो पूरा राउंड राउंड लाइन होगी, तो इसीलिए इसको एन्यूलस मतलब लिटिल रिंग्स इसमें प्रेजेंट रहेगी, इसीलिए इसको एनेलिडा कहा गया है। ये डायग्राम जो दिया गया है वो एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, जो हमें देखना और बहुत इजी है, आप पेपर पे बनाने के लिए भी बहुत इजी है। दे पोजेसेस लॉन्जिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स विल
हेल्प इन लोकोमोशन। तो इसके अंदर क्या है, लॉन्जिट्यूडिनल मतलब ऐसे लंबे और सर्कुलर मतलब राउंड, ये वाले मसल रहेंगे, ठीक है। तो लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स रहेंगे ना कि जो लंबे हैं, वो क्या करेंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब दो बॉडी पार्ट आपस में मिलेंगे। जैसे यहाँ वाला मान लो एक मसल है, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दो आपस में मिलेंगे, फिर से डायलेट हो जाएंगे, सर्कुलेटरी मसल का जो सर्कुलर मसल उसका काम शुरू होगा, फिर लॉन्जिट्यूडिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। मतलब ये दोनों टाइप के जो मसल है वो आपस में कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होके इसको मूव करने में हेल्प करता है। एक्वेटिक एनेलिड्स लाइक नीरिस, पोजेसिस, लेटरल अपेंडिजेस, पैरापोडिया विच हेल्प इन द स्विमिंग। तो एक्वेटिक है जो एनेलिडम है, जो कि इसका एक एग्जांपल दिया गया है नीरिस। तो नीरिस के अंदर ये साइड में जो पांव वाले जैसे दिख रहे हैं, जो हिलते हैं और जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं, तो कुछ में ये पैरापोडिया, जिसको पैरापोडिया कहा जाता है, वो देखने को मिलता है। अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। क्लोज्ड मतलब इसमें हार्ट में से जो ब्लड है या तो फिर कोई भी फ्लूइड, सर्कुलेटरी फ्लूइड है, वो डायरेक्टली टिश्यू पे या तो सेल्स पे नहीं गिरता, पूरा क्लोज्ड सिस्टम है। छोटी छोटी नसें, छोटी छोटी कैपिलरीज रहेगी, उसके थ्रू होके पूरा जो ब्लड है उसका सप्लाई होगा, न्यूट्रिशन लेके फिर वो ब्लड वापिस आएगा हार्ट में, तो उसको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो इसी इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। फिर आता है नेफ्रिडिया, हेल्प इन दी ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन। नेफ्रिडिया क्या होता है कि इसका जो ओपनिंग है, ठीक है, जो एनल ओपनिंग है, इसको नेफ्रिडिया कहा गया है, उसमें से ऑस्मोरेगुलेशन में मतलब जो बहुत ज़्यादा पानी, खराब पानी जो है बॉडी में, जैसे यूरिनेशन हमारा जो होता है जिस तरह से ह्यूमन में, इसी तरह इसमें ऑस्मोरेगुलेशन करने में, वो खराब पानी निकालने में, और जो खाना इसने लिया है वो खाना का एक्सक्रीट करने में, फीकस उसका बाहर निकालने में हेल्प करता है। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेड गैंग्लिया, मतलब जो न्यूरल सिस्टम है ना, न्यूरल सिस्टम क्या होता है, हम जो देखते हैं, खाते हैं, छूते हैं, ये सब जो हमें चीज़ पता है ना, उसको सेंसरी सिस्टम, न्यूरो सेंसरी सिस्टम होता है, जो हमारा ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये वाला जो सिस्टम है वो पेड गैंग्लिया, गैंग्लिया क्या होता है ये सब हम आगे जाके पढ़ेंगे, मगर आपको याद रख लो गैंग्लियन जो कि एक न्यूरोटिक सेल है, गैंग्लिया न्यूरोटिक पार्ट है, तो उसमें पेड गैंग्लिया रहेंगे कनेक्टेड बाय अ लेटरल नर्व टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो इसमें क्या रहेगा कि डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड रहेगा, यहाँ आगे से लेके पीछे तक एक नर्व का कॉर्ड रहेगा, जैसे हमारी पीठ में स्पाइनल कॉर्ड या तो करोड़रज्जू जो हम बोलते हैं वो होता है, इसी की तरह इसमें भी एक नर्व कॉर्ड डबल वेंट्रल रहेगा, और साइड में लेटरल नर्व्स की जो साइड में से दूसरी नसेस नर्व्स निकलती है वो प्रेजेंट रहेगी। नीरिस एन एक्वेटिक फॉर्म इज डायोसियस बट अर्थवॉर्म एंड लीचेस आर मोनोसियस। फिर अब पढ़ते हैं नीरिस, तो इसकी तो आपको इमेजेस वगैरह मैंने इसलिए दे रखी है ताकि आप अच्छे से समझ सके, इसको याद रख सकते सके, मगर एक बात चीज़ आपको ध्यान से मगर दिमाग में बिठानी है कि नीरिस जहाँ पे अगर बोला जाए तो आपको ये इमेज दिमाग में आनी चाहिए, क्योंकि नीरिस है ना वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें पैराबोडिया प्रेजेंट रहता है। दूसरी चीज़ कि ये डायोसियस है, इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो बाकी दोनों से, लीच से और अर्थवॉर्म से, ये इस तरह से अलग है। नीरिस इज अ जीनस पॉलीकेट वॉर्म्स इन द फैमिली नीरिडिडे। इट कंप्राइजेस मेनी स्पीसीज, मोस्ट ऑफ विच आर मरीन। नीरिस पोजेसिस सेटा एंड पैरापोडिया फॉर द लोकोमोशन। तो ये ब्रीफली चीजें आप पढ़ लो बहुत ईजी अंडरस्टैंड के लिए, मगर ये इमेज आपको याद रखनी है कि नीरिस दिखता कैसा है और उसमें मेन चीजें क्या है, क्योंकि एक तो पैरापोडिया प्रेजेंट है इसमें और सबसे बड़ी बात कि ये डायोसियस होता है। फिर आता है फेरेटिमा, जिसको हम कहते हैं अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म आगे हम नेक्स्ट चैप्टर्स में, आगे जब पूरा एनाटॉमीज पढ़ेंगे पूरे ऑर्गेनिजम्स के, तो उसमें अर्थवॉर्म और फ्रॉग हमें दोनों को डिटेल में पढ़ना है, जिसको इस बार गवर्नमेंट ने सिलेबस कम किया है, मगर फिर भी इस दोनों को सिलेबस के अंदर ही रखा है, तो हमें इसको डिटेल में पढ़ना है तब पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ा ब्रीफली इसको देख लेते हैं। अर्थवॉर्म इज अ रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इनवर्टेब्रेट दैट इनहेबिट्स द अपर लेयर ऑफ द मॉइस्ट सोइल। तो इसमें जो कुछ वर्ड्स है ना वो भी हमें अच्छे से याद रखना है। पहले तो क्या है कि अर्थ इज अ रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल, ठीक है, तो बहुत चीजें बोल गया इसमें। एक तो इसने कलर बता दिया कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, हैबिटेट बताया कि टेरेस्ट्रियल होता है, और इनवर्टेब्रेट है, इसमें वर्टेब्रल कॉलम नहीं रहता जैसे ह्यूमंस में या फिर दूसरे एनिमल्स में, लायन में, काऊ में, बफेलो में, जो वर्टेब्रल कॉलम पीछे रहता है हमारा, वो वाला नहीं रहता, इसलिए इसको इनवर्टेब्रेट कहते हैं। तो ये वर्ड्स है ना वो सिंपल है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। हम देखते हैं अर्थवॉर्म के अंदर वर्टेब्रेट नहीं होते।
ठीक है, दैट इनहेबिट्स दी अपर लेयर ऑफ द मॉइस्ट सोइल। तो यहाँ फिर से इन्होंने डिटेल में हैबिटेट बताया कि ये कहाँ रहता है, अपर लेयर ऑफ द मॉइस्ट सोइल। हम खेतों वगैरह में देखते हैं गीली मिट्टी में, अगर ऊपर से आप थोड़ी गीली मिट्टी निकालो तो यूजुअली उसमें अर्थवर्म प्रेजेंट रहते हैं। आजकल जो पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं तो अर्थवर्म की संख्या बहुत कम हो गई है, मगर अर्थवर्म बहुत ही अच्छी चीज़ है। वो एक मतलब फ्रेंड ऑफ द फार्मर कहा जाता है उसको, क्योंकि उनके बहुत सारे यूजेस है। वो पूरा उसका जो फीकल डिपॉजिट है जिसको हम वर्म कास्टिंग या तो फिर वर्मी कास्ट बोलते हैं, तो बहुत ही एक खाद जो जैविक खाद में बहुत ही एक अच्छा खाद है, अच्छा फर्टिलाइजर है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो उसका हैबिटेट हमने देख लिया कि अपर लेयर ऑफ द मॉइस्ट सोइल होता है जो कि 1 फीट से ज़्यादा डीप तक वो देखने को भी नहीं मिलता है। द फीकल डिपॉजिट ऑफ द अर्थवर्म आर नोन एज द वर्म कास्टिंग। जब वो अर्थवर्म किसी मिट्टी को खा जाता है, खा के फिर उसको निकालता है, उसका फीकल डिपॉजिट होता है, वो वर्मी कास्ट कहेंगे उसको, या तो फिर वर्मी कंपोस्ट या तो फिर वर्म कास्टिंग उसको कहते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर का काम करता है। अर्थवर्म्स आर नोन एज द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स बिकॉज दे मेक बरोज इन द सोइल एंड मेक इट पोरस। अर्थवर्म जहाँ भी किसी भी मिट्टी में अर्थवर्म होंगे ना, वो वहाँ की मिट्टी खा खा के फिर निकाल निकाल के पूरी मिट्टी को उसको पोरस बना देंगे, उसमें छोटे छोटे पोर्स बनाएंगे, मिट्टी को बहुत ही स्मूथ करेंगे। जैसे हम नया सीड वगैरह कुछ भी बोएंगे तो उसमें से आराम से उसके रूट स्प्रेड हो सकते हैं, उसमें से अच्छे से जो न्यूट्रिएंट है वो ले सकते हैं। तो इसलिए इसको फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स भी कहा गया है। पहले एक जमाना था कि अर्थवर्म बहुत ही इंपॉर्टेंस उसको दी जाती थी, मगर पेस्टिसाइड के कारण पूरे खत्म हो गए। मगर फिर से अब जो प्राकृतिक खेती जब धीरे धीरे आई है तो फिर से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। आजकल लोग इसको कल्टीवेट करते हैं, जिसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, उसको कल्टीवेट करके इसके बेड बना के उसमें अर्थवर्म को ग्रो करके उसका जो खाद निकलता है उसको दूसरी जमीनों में डालते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हेलियोडिनेरिया या तो फील्ड डिजीज। इसको हेलियोडिना मेडिसिनालिस करके इसका एक स्पीसीज है जो कि ट्रीटमेंट में यूज होता है। आयुर्वेद में हजारों साल पहले एक रक्तमोक्षण करके एक प्रोसीजर किया जाता था कि जिसमें जो खराब ब्लड है, ऐसे माना जाता था कि जो खराब ब्लड है उस वो ये जो हेलियोडिनेरिया है, जो हेलियोडिना मेडिसिनालिस, वो खराब ब्लड अपनी बॉडी में से चूस लेगा और स्किन डिसीजेज वगैरह ठीक करने में, कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स ठीक करने में इसका यूज किया जाता है। हेलियोडिनेरिया ग्रैंडुलोसा इज अ कॉमन इंडियन लीच फाउंड इन द फ्रेश वाटर टैंक्स, पॉन्ड्स, लेक्स, स्वैम्प्स एंड द स्लो स्ट्रीम्स। ठीक है, तो धीरे धीरे बहते पानी में, टैंक्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, नालों में, इन सब जगह पे ये देखने को मिलता है। इट प्रीफर्स शैलो वाटर एंड रिमेन्स कंसील्ड अंडर द वीड्स, लॉग्स एंड स्टोन्स। तो ये शैलो वाटर मतलब जो ज़्यादा गहरा नहीं होता, वैसे वाले पानी में, ऊपर ऊपर जहाँ पानी है वैसे वाले पानी में ये देखने को मिलते हैं। और कैसे रहते हैं वो, सीधा पानी में ही नहीं रहते, मगर जो उसमें कचरा पड़ा है, कोई लकड़ी पड़ी है, कोई वीड मतलब घास फूस पड़ा है उसके अंदर ये, या तो फिर कुछ स्टोन्स पड़े हैं उसके अंदर ये जो यूजुअली देखने को मिलता है। इट इज अ सांगवीवोरस। सांगवीवोरस मतलब क्या होता है, ब्लड सकिंग, किसी दूसरे एनिमल का ब्लड सक करके, जैसे हर्बीवोरस हो गया, वो हर्ब्स खाता है, मतलब जो हरी घास फूस खाता है, तो इसकी तरह सांगवीवोरस मतलब ब्लड सकिंग, जो दूसरे का खून चूस के अपना पेट भरता है, तो इसीलिए इसको सांगवीवोरस कहा गया। सकिंग द ब्लड ऑफ फिशेस, फ्रॉग्स एंड ऑल्सो कैटल और ह्यूमन बींग वेन दे एंटर द पॉन्ड। तो मतलब जब कोई भी ह्यूमन बींग या तो फिर कोई कैटल या तो फिर कोई मतलब बफेलो, काओ वगैरह कुछ भी, पिग्स वगैरह भी अगर तालाब में जाते हैं तो वहां से ये चिपक जाते हैं और उसका ब्लड चूस के अपना खाना बनाते हैं। और साथ में ज्यादातर ये फिशेस और फ्रॉग्स दोनों का मतलब खाने में इसका ब्लड चूस के अपना खाना बनाते हैं। फिर नेक्स्ट फाइलम आ गया आर्थ्रोपोडा। पहले इस फाइलम की ब्रीफिंग देख लेते हैं, बहुत इजी है मगर एनलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वैसे भी अर्थवर्म डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो इसके क्वेश्चंस भी डिटेल में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके मेन जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो है नीरिस और अर्थवर्म। इसको ब्रीफ में फिर से बार बार रिविजन करके इसको पढ़ना है। नेक्स्ट फाइलम आता है कि आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मतलब पोडा मीन्स फीट होता है, और आर्थ्रो मतलब जॉइंट्स होता है। जैसे हमें हमारे सारे जॉइंट्स को आर्थ्रो बोलते हैं, तो इसके जितने भी इसके अंदर के ऑर्गेनिज्म है उसमें सारे, इसके जैसे फीट देख लीजिए, ठीक है, इसके पाँव में हमें मतलब आर्थ्रो जॉइंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे इसमें ये दो जॉइंट देखने को मिलेंगे, यहाँ भी होगा छोटा, हर एक इसके जितने भी जिसके छोटे ऑर्गेनिज्म है जिसके पाँव में, इसके जितने भी पैर है उसमें जॉइंट्स देखने को मिलते हैं, इसको आर्थ्रोपोडा के अंदर डाला गया है। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमलिया विच इंक्लूड्स इन इंसेक्ट्स।
और जितने भी एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट है उसमें सबसे बड़ी संख्या अगर किसी की है तो किसकी है, आर्थ्रोपोडा की। इसके अंदर ये लोकस्ट, बटरफ्लाई, ये पॉम प्रॉन और ये सब स्कॉर्पियन, स्पाइडर, ये सब इसी के अंदर ही आता है, ठीक है। ओवर 2/3 ऑफ द नेम्ड स्पीसीज ऑन द अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। देखिए 2/3 मतलब 100 में से अराउंड 66 स्पीसीज है वो किसके हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम के। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू सेलुलर या ऑर्गन लेवल से बहुत ही ऊपर। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, इसकी सिमेट्री बायलेटरल है, ठीक है। बीच में से किसी को भी काटोगे तो आपको उसके दो सिमिलर हिस्से देखने को मिलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म तीनों इसमें प्रेजेंट रहेंगे। सेगमेंटेड है, इसमें भी सेगमेंट्स देखने को मिलता है, और सीलोमेट है इसमें भी ट्रू, क्योंकि सारे जितने एनिलेटा के बाद हम जितने भी फाइलम पढ़े हैं सारे सीलोमेट है, ये इतने आपको याद रखना। मैंने सबसे पहले जब क्लास शुरू की एनिमल किंगडम की तब उसमें एक चार्ट जो एनसीईआरटी ने दिया था वो चार्ट मैंने आपको जरा एक इमेज दिखाई थी, वो चार्ट आप एनसीईआरटी में से देख के याद कर लेना है। उसमें आपको पता चल जाएगा असिलोमेट कौन से है, ट्रू सीलोमेट या सीलोमेट कौन से है या स्यूडो सीलोमेट कौन से है, उसमें सब दिया गया है जिसको आपको याद रखना है। द सीलोमिक कैविटी इज फिल्ड विद ब्लड, इसमें एक और हमें डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कि आप अगर देखा होगा आपने किसी स्पाइडर अगर आपके पैर में आ जाए कि कुचल जाए या तो फिर कोई बिच्छू आ जाए तो उसमें से पूरा एकदम ब्लड बाहर अचानक से आ जाता है, ठीक है। इसका सब में सीलोम कैविटी रहेगी ना, सीलोम मतलब कि जो अपनी डाइजेस्टिव कैविटी है, ये लोग खाना जहाँ खाते हैं और जहाँ खाना जाता है पूरा डाइजेस्ट होता है, वहाँ से लेके स्किन बाहर की स्किन तक उसके बीच में जो सीलोम रहेगा उसी में पूरा ब्लड इसका भरा रहता है, ठीक है। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, तो इसकी हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन पेट वाला हिस्सा, ये यूजुअली सबको आप तीन में डिवाइड कर सकते हैं। बटरफ्लाई में आप इजीली देख सकते हैं ये वाला छोटा हेड है, ये जो एक और पार्ट आया है सेगमेंट है ये थोरेक्स, और ये वाला जो है वो बड़ा वाला एब्डोमेन है। इसका भी ये हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, इसका ये हेड, थोरेक्स और ये एब्डोमेन। तो इसी तरह से सभी जितने भी आर्थ्रोपोडा है इसको हम ये तीन में डिवाइड कर सकते हैं। तो हेड बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, तो इसमें आइज देखने को मिलेंगे, जब हम आगे पढ़ेंगे इसकी पिक्चर आगे दिखाऊंगा तो आपको देखने को मिलेगी, इसमें दोनों साइड आइज देखने को मिलती है। तो बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडा इज कवर्ड बाय अ जिथिनस एक्सोस्केलेटन, स्केलेटन, तो ये भी हमने देखा होगा कि इन लोगों का जो स्केलेटन होता है ना, ये ऊपर की स्किन होती है थोड़ी हार्ड होती है। आपने यूजुअली स्कॉर्पियन में देखा होगा ऊपर की स्किन थोड़ी टफ और हार्ड, जैसे शाइनिंग मारती हुई हार्ड स्किन होती है, जो कि किससे बनी हुई होती है, चिथिन से। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, मतलब इसमें आर्थ्रो जॉइंट्स होते हैं पोड़ा अपेंडेजेस। मैंने आपको बताया था कि इसके जो हाथ पांव है उसमें जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको आर्थ्रोपोडा कहा गया है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम इसकी देख लीजिए, तो इसमें लंग्स तो नहीं होते मगर जिल्स होते हैं इसकी जगह पे, ठीक है। जिल्स आपने मछलियों में देखा होगा, जिल्स को समझाने के लिए मैं बता दूं आपको कि जैसे ये दिख रहा है ना, ऐसे वाली मछली जहाँ से वो सांस लेती है ये वाली, तो इसमें जिल्स और बुक जिल्स दोनों प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और कुछ में ट्रेकियल सिस्टम भी रहेगा, ट्रेकिया मतलब ऐसे राउंड विंड पाइप जिसको हम बोल सकते हैं जहाँ से सांस लेते हैं, ये वाला पाइप इसमें कुछ में देखने को मिलेंगे। और जैसे ये प्रॉन हो गया तो उसके अंदर यूजुअली जिल्स देखने को मिलती है, तो फिर बुक जिल्स या इंटरनल जिल्स देखने को मिलती है। ये एक सांस लेने का एक ऑर्गन है जो कि पानी में भी, जैसे पानी वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसमें एक्वेटिक में ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होती है, क्लोज्ड नहीं होती, इसीलिए मैंने कहा ना सीलोम के अंदर इसमें बहुत सारा ब्लड गश पूरा प्रेजेंट रहता है। इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन है, इसमें छोटे छोटे वेसल्स नहीं होते, हार्ट में से डायरेक्ट पूरा बॉडी में ही पंप होता है, पूरी बॉडी में से वापस फिर हार्ट में आता है। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटेना, आइज, स्टेटोसिस्ट और बैलेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें आप अच्छी तरह से देखना है, इसमें एंटेना देखने को मिलता है यूजुअली आगे ये वाले जो एंटेना जो कि उनको दिशा या तो फिर रास्ता देखने में या फिर आगे से ऑर्गेनिज्म आ रहा है या तो फिर गड्ढा जो भी देखने में हेल्प करता है वो है उसको सेंस करने में हेल्प करता है वो है एंटेना। एंटेना के अंदर उसमें बैलेंस ऑर्गन्स भी रहे थे, बैलेंस ऑर्गन मतलब इस तरह का है, उसके स्टेटोसिस्ट इसमें रहेंगे जो कि
उससे उसको पता चलता है कि किस साइड हमें बैलेंस होना है, सीधा चलने के लिए उसको हेल्प करने में मदद करता है। ये स्टेटोसिस्ट है, उसके अंदर रहता है स्टेटोलिथ। स्टेटोलिथ मतलब अगर इस साइड अगर वो ऑर्गेनिज्म झुक गया तो स्टेटोलिथ इस साइड चला जाएगा, तो उसको थोड़ा बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता रहेगा। ठीक है। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू दी मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स क्या है कि छोटे छोटे ऐसे ट्यूब्यूल्स हैं जो कि कहाँ खुलते हैं, इसकी बॉडी कैविटी में खुलते हैं। तो मालपीजियन जो ट्यूब्यूल्स है वो क्या करेंगे, सॉल्ट वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट रहेंगे पूरी बॉडी में से लेके इसको यहाँ पे खोलेंगे और यहाँ से एक्सक्रीशन होगा, उसका वेस्ट एनल कैनाल के थ्रू, फीसस के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो इसी तरह मालपीजियन ट्यूब्यूल्स रहेगी इसमें प्रेजेंट रहेगी। दे आर मोस्टली डायोसियस, मतलब उसमें मेल और फीमेल दोनों ही अलग रहेंगे। फर्टिलाइजेशन इज यूजली इंटरनल, फर्टिलाइजेशन यूजली फीमेल के अंदर ही होता है। दे आर मोस्टली ओविपेरस, ज्यादातर अंडे देने वाले, जितने भी अंडे देने वाले या तो फिर अंडज ऑर्गेनिज्म से उसको ओविपेरस कहा गया है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो मतलब पहले बताया हमने कि जो इसमें जो बच्चा है, जैसे ह्यूमन का डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जो बच्चा है वो एडल्ट के जैसे ही दिखने वाला होता है। मगर इनडायरेक्ट में क्या होता है, कई बार लार्वल स्टेजेस आते हैं। ठीक है, जैसे मच्छर में देख लीजिए, मच्छर है वो लार्वा से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है, तो इसीलिए उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। मगर जो एडल्ट है वो छोटे जो ऑर्गेनिजम्स है उससे बिल्कुल सेम देखने में कि होता है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट इंसेक्ट्स जैसे कि एपिस और बॉम्बिक्स या तो फिर लेसिफर। कुछ वेक्टर्स हैं जो कि मच्छर वगैरह के, जो मलेरिया वगैरह फैलाते हैं, हमने देखा कि वो है एनोफिलिक्स, क्यूलिक्स और एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो है। और कुछ ग्रिगेरियस पेस्ट है, ग्रिगेरियस मतलब जो कि नुकसान करते हैं जो फसल वगैरह को, जो फार्मर्स को नुकसान करते हैं, वैसे वाले हैं लोकस्टा। और कुछ लिविंग फॉसिल है, लिविंग फॉसिल बहुत अच्छा नाम दिया गया है जिसको किंग क्रैब या तो फिर लिम्यूलस को उसको नाम दिया गया है। तो ये सब हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफली इसके बारे में पढ़ लेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, सबसे पहले है एपिस, या तो फिर इसको हनी बी भी कहा जाता है। इसकी एक इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है क्योंकि एपिकल्चर इज द साइंटिफिक मेथड ऑफ द रेयरिंग हनी बीज। तो हम जो हनी प्रोड्यूस करने के लिए आजकल पूरा एपिकल्चर या तो फिर हनी बी फार्मिंग जिसको कहा गया है वो भी किया जाता है, जिससे इकोनॉमिकली बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसलिए इसको बहुत ही बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म कहा गया है। एपिस मतलब कि हनी बी इज अ सोशल इंसेक्ट लिविंग कॉलोनीज ऑफ 50,000 और मोर इंडिविजुअल। ज्यादातर हम एक एक जो मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं ना, उसमें वो कॉलोनी पूरा एक देखते हैं, उसमें 50,000 या उससे भी ज्यादा मक्खियां होती है। ठीक है। हनी बीज आर मोस्टली वेजिटेबल फीडर्स, प्रिफरेबली लिविंग ऑन पोलन्स एंड नेक्टर ऑफ अ फ्लावर्स। यूजली हनी बी क्या करती है, जो कि पोलन ग्रेन से या तो फिर नेक्टर है फ्लावर का, उसमें से रस चूस के पूरा उसमें से हनी बनाते हैं, छत्ते तक ले जाती है, वहां से हनी बनाती है। द लार्वाई विच हैव नो लेग्स आर हेल्पलेस एंड आर फेड बाई द नर्सिंग वर्कर्स ऑफ द कॉलोनी अप टू देयर प्यूपेशन टाइम। तो पहले जो उसमें हम देखते हैं उसको मधुमक्खी छत्ते में, जो बड़े छोटे छोटे होल होते हैं उसके अंदर लार्वा रहेंगे, जो कि उसमें कोई भी उसके हाथ पांव नहीं होते या ना तो फिर उसके पर होते हैं या तो फिर विंग्स नहीं होती उड़ने के लिए। तो उसको जो बाहर से जो नर्सिंग मधुमक्खियाँ है या तो नर्सिंग बीज है वो बाहर से खाना जो ला के उसको खिलाते हैं। अब एपिस में क्या होता है, उसकी जो कॉलोनी होती है उसमें यूजुअली तीन टाइप के क्वींस देखने को मिलते हैं, एक है वर्कर, एक है क्वीन और एक है ड्रोन। तो वर्कर से वो सबसे छोटी रहती है, उससे बड़ी होती है ड्रोन और उससे बड़ी होती है क्वीन। तो ये इसका सबका काम अलग अलग है। क्वीन है वो रिप्रोडक्शन का काम करती है, सारे जो नए बच्चे पैदा करने हैं पूरा क्वीन के ऊपर डिपेंड रहता है। जो वर्कर्स है वो स्टेराइल बीज होती है, उसका रिप्रोडक्शन में कोई भी पार्ट नहीं रहता, वो खाली और खाली जो मतलब जो फ्लूइड जो है कलेक्ट करना है पूरा, जो हनी कलेक्शन का जो काम होता है वो पूरा वर्कर बीज करती है। और ड्रोन है वो सारे जो मतलब गार्ड करना है या तो फीडिंग करना है वो सारा काम कौन करता है, ड्रोन बीज करती है। अब इंडिया में यूजुअली तीन टाइप की ये देखने को मिलती है, एपिस फ्लोरिया जो सबसे कॉमन है, एपिस मेलेफिका और एपिस डोरसेटा। ये तीन यूजुअली इंडिया में देखने को मिलता है, उसमें सबसे बड़ी साइज की है वो है एपिस डोरसेटा। फिर नेक्स्ट आता है सिल्क वॉर्म मोथ या तो फिर बॉम्बिक्स मोरी। ठीक है, तो सिल्क वॉर्म मोथ क्या है, पहले उसकी इमेज दिखा दो आपको। ये है सिल्क वॉर्म मोथ जो कि सिल्क बनाने में बहुत बड़ा काम करता है, यही जितना भी सिल्क प्रोडक्शन है उसमें सबसे बड़ा पार्ट इसी का ही है। ठीक है,
तो सिल्क वर्म बहुत बॉम्बिक्स मोरी लेपिडोपेट्रन वुज कैटरपिलर हैज बीन यूज्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, मतलब सेरिकल्चर जिसको बोलते हैं, सिल्क जिसे उस तक उसको मधुमक्खियों का एपिकल्चर होता है, इसी तरह इसका सेरिकल्चर होता है फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मतलब बहुत हजारों सालों से सिल्क प्रोडक्शन में इसका यूज होता है। ऑल्दो नेटिव टू चाइना द सिल्क वर्म हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड हैज अंडरगोन कंप्लीट डोमेस्टिकेशन विद द स्पीसीज नो लॉन्गर बींग फाउंड इन द वाइल्ड, मतलब अभी जंगल में कहीं देखने को नहीं मिलता है। ये बेसिकली ये चाइना से है, सबसे पहले इसका नेटिव है वो चाइना में था, चाइना में से पूरी पूरे वर्ल्ड में फैल गया है अभी, और डोमेस्टिकेशन किया गया है इसका, मतलब इसको कल्टीवेशन की तरह खुद इसकी खेती की तरह लोग करते हैं, ठीक है। अब ये जंगली स्पीसीज के है ही नहीं, डोमेस्टिक स्पीसीज ही देखने को मिलते हैं और पूरे वर्ल्ड में ये देखने को मिलता है, ठीक है। ये सिल्क वर्म है, देखिए ऐसा होता है, और वो जो पूरा जो बनाता है, जो सिल्क बनता है वो इस तरह से पूरा बनता है। फिर आता है लोकस्ट्स, तो लोकस्ट आर अ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट दैट फॉल अंडर द फैमिली एक्रिडिडे एंड द ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा, ठीक है। तो ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर का जो ये फैमिली भी इसकी दी गई है एक्रिडिडे, और लोकस्ट हम अच्छी तरह जानते हैं, कुछ टाइम पहले ही पाकिस्तान से इंडिया की साइड बहुत सारे लोकस्ट का अटैक हुआ था, जो कि जिससे बहुत सारा नुकसान हुआ था, राजस्थान और कच्छ के कुछ इलाकों में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। लोकस्ट आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लुक वेरी सिमिलर टू ग्रासहॉपर इंसेक्ट्स, तो यूजुअली ग्रासहॉपर जैसा ही देखने को मिलता है, और बहुत सारे लोग ग्रासहॉपर ही इसको मान लेते हैं। फिर आता है लिम्यूलस, मतलब किंग क्रैब। तो लिम्यूलस क्या है कि इसको किंग क्रैब क्यों कहा गया, किंग इसलिए भी कहा गया है सबसे एक तो साइज के हिसाब से, और दूसरी बात इसको एक और नाम दिया गया है लिविंग फॉसिल। तो लिविंग फॉसिल इसको क्यों कहा गया, क्योंकि एंशियंट टाइम में जब मतलब बहुत हजारों साल पहले से ये क्रैब दिखने में सेम है, इसकी एनाटॉमिकल फीचर्स में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, ठीक है। जैसे जैसे डायनासोर के टाइम से लेके अभी तक इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, ठीक है। लिम्यूलस पॉलीफेमस और अटलांटिक हॉर्सशू क्रैब, करंट जिफोसुरन स्पीसीज आर कंसिडर्ड लिविंग फॉसिल्स एज दे हैवंट अंडरगोन ऑब्वियस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन कंपैरिजन विद द कार्बोनिफेरस एंड द ट्रेजिक फॉसिल फॉर्म। दूसरे फॉसिल फॉर्म के कंपैरिजन में ये हजारों सालों से सेम ही दिख रहा है, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस आया नहीं, इसलिए इसको लिविंग फॉसिल भी कहा गया है। फिर नेक्स्ट फाइलम आता है मोलुस्का। तो मोलुस्का फाइलम में जितने भी ऑक्टोपस या तो फिर ये स्क्विड वगैरह मोलस्क है सारे इसमें आते हैं, ठीक है। स्नेल्स हो गया ये सारे। अब मोलुस्का में क्या है कि दिस इज अ सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, तो सबसे बड़ी जो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी थी, आर्थ्रोपोडा, और इसमें जो सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम देखने को मिलते हैं। मगर मोलुस्का यूजुअली मरीन है, ठीक है। मोलुस्का टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, मरीन और फ्रेश वाटर, हैविंग अन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके अंदर भी ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है, इसकी सिमेट्री बायलेटरल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एंडोडर्म एक्टोडर्म मेसोडर्म तीनों इसमें प्रेजेंट है, एंड सिलोमेट एनिमल। तो यहाँ से आगे सवाल है, मैंने बताया था कि एनलेटा के बाद वाले सारे सिलोमेट ही है। बॉडी इज कवर्ड बाय अ कैल्केरियस शेल एंड इज अनसेगमेंटेड विथ अ डिस्टिंक्ट हेड मस्क्यूलर फूट एंड विजरल हम्प। तो इसकी जो बॉडी है वो पहले तो किससे कवर है, एक कैल्केरियस मतलब हड्डियों की जैसा कैल्शियम से बना हुआ एक शेल, उसके ऊपर पूरा कवर रहता है ये वाला शेल, इससे इसकी बॉडी यूजुअली कवर रहता है। और इसको डिस्टिंग्विशिंग, इसके पार्ट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये सेगमेंटेड नहीं है, जैसे हमने अर्थवर्म वगैरह में देखा था कि वो सेगमेंटेड है, या हमने ऑर्थोपोडा में भी देखा था कि वो सेगमेंटेड है, जैसे बिच्छू के ऊपर भी हमें सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, मगर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कहीं भी आपको सेगमेंट्स देखने को नहीं मिलता। और इसको हम पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हेड मस्कुलर फुट एंड विजरल हम्प। तो इसको हेड मस्कुलर फुट, जैसे ये हेड हो गया, या विजरल हम्प हो गया, या ये मस्कुलर फुट, इसमें इसको डिवाइड कर सकते हैं। मोलस्क आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर दिस विजरल हम्प। तो सॉफ्ट और स्पॉन्जी मतलब ऐसे आराम से दब जाए, गुब्बारे जैसा एक स्ट्रक्चर बनाता है, किसके ऊपर करता है, विजरल हम्प के ऊपर, जिसको कहते हैं मेंटल या तो फिर मेंटल कैविटी। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड एज द मेंटल कैविटी। तो हम्प
मेंटल के बीच में जो मेंटल है इसके बीच में जो कैविटी आती है वो क्या है, मेंटल कैविटी इन विच फीदर लाइक जिल्स आर प्रेजेंट। तो इसके अंदर ही जिल्स भी यहाँ पे दिखाया गया है, जिल्स इधर पे जिल्स प्रेजेंट होती है जहाँ से वो ब्रीदिंग लेता है। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटेकल्स। तो इसमें रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन भी देखने को मिलते हैं। द एंटीरियर हेड रीजन हैज ए सेंसरी टेंटेकल्स। तो यहाँ पे सेंसरी टेंटेकल्स देखने को मिलते हैं, उसको सेंस करना है या तो फिर जो फ्लो है वाटर वगैरह का उसको सेंस करना है या तो फिर आसपास में जो भी एटमोसफियर है उसको सेंस करने के लिए टेंटेकल्स रहते हैं। द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला। तो रेड्यूला में एक ये देखिए ये फाइल जैसा एक ऑर्गन रहता है जो कि रेड्यूला कहा गया है, जो फूड को अंदर तक ले जाने के लिए हेल्प करता है। जैसे यहीं पे देख लीजिए इसके माउथ में यहाँ पे ये रेड्यूला रहेगा, यहाँ से अगर ये फूड पार्टिकल है तो इसको किस तरह से अंदर जाएगा, तो पूरा ये पूरी फाइल जैसा ये ऑर्गन बना हुआ है जिससे वो फूड पार्टिकल को पूरा अंदर ले जाता है। ये इमेज से आपको रेड्यूला के बारे में समझ में आ जाएगा। दे आर यूजली डायोसियस एंड ओविपरस विद द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये यूजली डायोसियस होते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गेनिज्म अलग होते हैं और अंडज होते हैं, मतलब ओविपरस होते हैं विद द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, अंडज है तो ऑब्वियसली थोड़ा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट उसमें देखने को मिलेगा। और एग्जाम्पल्स है इसके पाइला, पिंचाडा, सेपिया, प्रोलिको वगैरह इसके एग्जाम्पल्स है जो कि हम ब्रीफ में अलग तो हमने सबने देखा हुआ है कि पाइला किस तरह से दिखता है और कैसा है। कि पाइला इज अ जीनस ऑफ लार्ज फ्रेश वाटर स्नेल्स विद एन ओपरक्यूलम अफ्रीकन एंड एशियन एप्पल स्नेल्स एक्वेटिक गैस्ट्रोपोड मोलस्क इन द फैमिली एम्पिरिलिडे। ठीक है, इसको एप्पल स्नेल्स भी बोला जाता है, एप्पल की तरह दिखने वाला है इसलिए। तो फिर नेक्स्ट आता है पिंकचाड़ा। तो पिंकचाड़ा तो पॉल ऑयस्टर है जहाँ पे हमें जो जितने भी पॉल्स है जो मोती हम कहते हैं जो समुद्र में से निकाले जाते हैं वो सारे पॉल ऑयस्टर है, वो इसी तरह के दिखने वाले हैं और वो इसी किंगडम के अंदर इसी फाइलम के अंदर आएंगे। पिंकचाड़ा इज अ जीनस ऑफ सॉल्ट वाटर ऑयस्टर्स मरीन बिवाल्व मोलस्क इन द फैमिली टेरिडे द पॉल ऑयस्टर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है सेपिया। यहाँ पे इसका भी डिटेल मैंने दिया है, इसको कटल फिश भी कहते हैं। ये सब डिटेल देने आप खाली एक बार पढ़ना है, इसकी साइजेस वगैरह भी आपको समझ में आ जाएगी, मगर इसका इमेज देख के समझ में आ जाए इसीलिए ये सब ब्रीफ में दिया हुआ है। तो कटल फिश एनी ऑफ द सेवरल मरीन सेफेलोपोड्स ऑफ द ऑर्डर सेपोइडिया रिलेटेड टू द ऑक्टोपस एंड स्क्विड कैरेक्टराइज्ड बाय द थिक इंटरनल कैल्सिफाइड शेल कॉल्ड एज कटल बोन। तो इसके अंदर बोन की शुरुआत वैसे हमें देखने को मिलती है कि जो इसके अंदर एक थिक कैल्सिफाइड शेल अंदर की साइड होती है जिसको कटल बोन भी कहा जाता है। इसकी 100 स्पीसीज के आसपास है, साइज 1 से लेकर 35 इंच तक होती है ये सारी। ऑक्टोपस जैसे आगे इसके भी टेंटेकल्स वगैरह रहते हैं, ये सारी चीज़ें आप ब्रीफली देख सकते हो। फिर आता है लोलिगो जिसको स्क्विड भी कहते हैं, ये भी एक ऑक्टोपस की तरह दिखने वाला है मगर इसमें जो ऊपर जो उसका जो मेन मेंटल कैविटी और हम्प है वो लंबा रहता है, हमें पूरा इससे डिस्टिंग्विश करता है। कि सेफेलोपोड एनी मेंबर ऑफ द क्लास सेफेलोपोडा ऑफ द फाइलम मोलस्का अ स्मॉल ग्रुप ऑफ हाईली एडवांस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पे अगर ये जो ऑक्टोपस ये लोलिगो वगैरह हम देखेंगे तो इसकी जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो बाकी सबसे के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा है, मतलब इसके न्यूरल और सेंसरी एरियाज है वो ज़्यादा पावरफुल है। तो ऑक्टोपस स्क्विड कैटलफिश एंड द चैम्बर्ड नोशिलस आर फैमिलियस रिप्रेजेंटेटिव, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। इसी तरह से आगे हम देखते हैं कि ऑक्टोपस इसको डेविल फिश भी कहा जाता है। ऑक्टोपस इज अ सॉफ्ट बॉडीड सी क्रीचर विद अ बल्बस हेड एंड 8 arms, hence इट इज नेम्ड एज द ऑक्टोपस। तो ये तो ऑक्टोपस के बारे में हम सबको पता ही है, हमारे लैब में अभी आप लोगों ने ज़्यादा विजिट किया नहीं मगर लैब में हमारे पास पूरा रखा हुआ है प्रिजर्व करके ऑक्टोपस, वो भी हम देखेंगे। फिर आता है एप्लाजिया या तो फिर सी हेयर, कॉमनली कॉल्ड सी स्लग या तो फिर सी हेयर इज एन हर्बीवोर मोलस्क बॉडी ब्राइटली कलर्ड सॉफ्ट फ्लैशी टेपर्स बिहाइंड इनटू अ टेल। मतलब इसका भी डिटेल आप ब्रीफली देख लो सारा। टस्क शेल आता है या फिर डेंटेलियम, तो इसको टस्क शेल इसलिए कहते हैं क्योंकि एलिफेंट के टस्क एलिफेंट का दांत होता है उसकी तरह दिखने वाला होता है। इसके भी 350 के ऊपर
स्पीसीज देखने को मिलता है, और बहुत ही डेप्थ में, बहुत ही डीप अगर आप देखोगे मरीन एरियन, जो मतलब बहुत ही गहरे समंदर में ये यूजुअली देखने को मिलते हैं। फिर लास्ट वाला आता है किटोप्यूरा, ठीक है, जिसको चिटॉन भी कहा जाता है। तो किटोप्यूरा इज अ जीनस ऑफ अ चिटॉन्स इन द फैमिली चिटोप्यूरिडे। द स्पीसीज विद इन द जीनस आर मरीन मॉलस्क, तो ये भी हमें यूजुअली देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है फाइलम एक्टिनोडर्मेटा, मगर एक्टिनोडर्मेटा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।